तो दूसरा के सब पर है। हमरो पर झोपड़ी के घर है, दहा गया तो दूसरा के सब पर रखते हैं लेकर सब के लिए। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, स्थानीय बड़े जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा रखते हैं हम अपनी तरफ से, आपदा को कोपा टोपी का काम ना करेंगे, एक दूसरा पर बिगने का काम ना करेंगे। आपदा के अपने को दुख, अपनों का दुख दर्द समझने के लिए ग्राउंड पर आएंगे जैसे हमने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ राजेश रंजन। आज हम पहुँचे हैं रक्षा में, जहाँ गुरुवार की रात तिरहुत नहर का बांध टूट गया था और उस बांध के टूटने के बाद पूरे गाँव में पानी भर गया, पूरा गाँव जलमग्न हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोगों के घरों में पानी घुस गया है और किस तरह लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऊंचे स्थान पर चले गए हैं, वहाँ किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह घरों में पानी घुसा हुआ है। ये देखिए किस तरह घरों में पानी घुसा हुआ है और आसपास की गंदगी घरों तक पहुँच गई है। ये देखिए, यह कोई समंदर नहीं है, समंदर का नज़ारा नहीं है, यह तिरहुत नहर के बांध से टूटने के बाद निकला हुआ पानी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी का बहाव तेज है। बताइए क्या स्थिति है यहाँ तिरहुत नहर के टूटने के बाद, जो पानी घरों तक पहुँच चुकी है, क्या स्थिति है? ये कल रात में सूचना मिली कि कांटी और मरवनी के लिए आपदा का कर, बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि आपदा को अपर में न बदले, राजनीति न हो, इस आपदा की घड़ी में दलिए या निर्दलिए सभी लोग मिलकर अपने लोगों का दुख दर्द बटाने का ये वक्त है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, स्थानीय बड़े जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा रखते हैं हम अपनी तरफ से, इस आपदा को कोपा टोपी का काम ना करेंगे, एक दूसरा पर बिगने का काम ना करेंगे। आपदा के अपने को दुख, अपनों का दुख दर्द समझने के लिए ग्राउंड पर आएंगे जैसे हमने आया है। लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, हमारे भाई बहन हैं, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग बाबा दादी हैं, हम लोगों के समाज की पशु हैं उनके लिए। और खासकर हम स्थानीय प्रशासन से भी मांग करेंगे कि सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था हो, सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, तो भैया खाएंगे लोग कहाँ। और स्थानीय प्रशासन पशुओं का भी ध्यान रखे, के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए सरकार की तरफ से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई भी फंड रिलीफ फंड के तौर पर लाया जाए, जिससे हमारा क्षेत्र कांटी मरवनी आपदा की घड़ी से निकल सके। और जो जरूरत पड़ेगा हम सभी लोग अपने लोगों के बीच खड़े हैं, तन मन धन से जो शक्ति लगे शक्ति लगाना होगा हम लगे हुए हैं। रुकना भी होगा हम लोग रुकेंगे, यहीं पर जो उन्हीं के साथ खाने का काम करेंगे। कैसे रह रहे हैं आप? स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया सांसद वगैरह आई है, मुखिया तो है, विधायक सांसद वगैरह आए हैं आप लोगों से मिलने अभी तक? ना अभी ना, विधायक जी या सांसद जी ना कोई पानी घर में ढुक रहा है, कोई व्यवस्था नहीं खाना बनाने के, कोई उपाय ना है। कैसे रात गुजरलक? छत पर रहनी सब, छत पर है। खाना बना? खाना ऊपर बना के गैस पर खाएगा। अनाज पानी ठीक ठाक है कि भींग गया? मतलब दिया रोड पर उहे खाता है वहाँ, अलावा हम रहें कि नहीं, अब कुछ घरे में अभी जो बचल है छत वही पर बना के गैस से अपन मतलब लैया बच्चा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के की सुविधा है? शौचालय उचालय जाए के? शौचालय तो पानी से भरा हुआ, भरा हुआ है। सामाजिक शौचालय न चल ना, शौचालय है बाकी कहे के रह गए
मतलब आपका जो शौचालय है वो पानी से भरा हुआ है, अभी तक प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं की, यही ना? तब जाके कुछ दूरी पहुँचावल गया के इतना पानी हेल के आगे, तब जाके तो गाय भैंसी चल गए तो हम रह तनका दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, पानी नहीं घर में डूब गया है, खाने में दिक्कत है, बच्चा बच्चा के लेके दूसरा के साथ पर है, अब हमरो झोपड़ी के घर है, दहा गया तो दूसरा के साथ पर रखते है लेकर के लेके। स्थानीय सांसद विधायक ना थी? ना ही आ रहे, ना ही कोई आए। शौचालय वगैरह के सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है, अपना से बनाए तो पूरा अति हो गए पानी से भर गए, अभी व्यवस्था ना करेंगे, बहुत परेशानी है ना, समझ हमरा इनके अपना से बनाए तो पानी से भर गया शौचालय, अपना से सरकार की तरफ से तक ना व्यवस्था ना, कुछ व्यवस्था ना है, स्थानीय सांसद विधायक ना थी ना, आए लथिन देख रहे हो ठीक। तो आप देख रहे थे कि रक्षा में तिरहुत नहर के का बांध टूटने के कारण कितने सैकड़ों लोग घरों में पानी घुस गया है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, ऊंचे स्थान पर पलायन कर गए हैं, उनके भोजन का व्यवस्था फिलहाल मुखिया के द्वारा किया गया है, हालांकि बांध के मरम्मत का भी कार्य शुरू कर दिया गया है कार्यपालक अभियंता के देख रेख में, लेकिन फिर भी अभी लोगों के बीच त्रासदी बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ अगले खबर के साथ, फिर मिलेंगे, नमस्कार।